Hello guys, my name is Divesh sir and welcome back to my YouTube channel Maths Tutorial by Divesh sir. So हम पिछले क्लास में सेट के बारे में पता किए थे, क्या है सेट, फिर टाइप्स ऑफ सेट देखे थे और मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट देखे थे. सो उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. सो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, अब देख सकते हो. राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म. तो पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था कि रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड होता है, मतलब लिस्ट में लिखना. ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हम उसको लिखते हैं. फर्स्ट, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन. एन होना चाहिए, दैट इज नेचुरल नंबर होना चाहिए. एंड एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए एंड 10 और 10 से छोटा होना चाहिए. तो सीधा सा सिंपल सा मतलब हमें पता चला, एक्स इज इक्वल टू दैट इज 4 नहीं होगा तो हो जाएगा हमारा क्या होता है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो नोटिस करो, ये हो गया, ये सारे 4 से बड़े हैं और ये 10 है और 10 से इक्वल है. क्लियर आया ये नहीं. नेक्स्ट इज 2, दैट इज बी इज इक्वल टू, दे दिया हमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 50 के बीच में होना चाहिए. तो x बिलोंग्स टू n है तो हम लोग सारे का स्क्वायर निकाल लेते हैं. दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 35, 6 का स्क्वायर 39 और 8 का स्क्वायर 64. तो नोटिस करो कि इसने बोला कि एक्स स्क्वायर जो कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों तो 5 से छोटे हैं, मतलब 5 से बड़ा मतलब ये है, और 50 से छोटा होना चाहिए मतलब 49 तक. लेकिन लेना क्या है, देखो नोटिस करो, लेना हमें एक्स ले है, यहाँ पे जो दिया होगा वही लेंगे. दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन बोला है, मतलब हमें एक्स लेना है. तो ये तो सारे स्क्वायर है, ये एक्स है और ये स्क्वायर है. ठीक है, तो हमें लेना है यहां से लेके यहां तक, मतलब हमें लेना है 3 से लेके 7 तक. तो b हमारा हो गया दैट इज 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा है क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर लेस देन 20 होना चाहिए. तो सारे फिर से लिखते हैं, तो z है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लिख देता हूं मैं, फिर -1, -2, -3 और -4 लिख देता हूं. ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है और 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 का स्क्वायर दैट इज 6, 16, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, -2 का स्क्वायर दैट इज 4, -3 का स्क्वायर दैट इज 9 और -4 का स्क्वायर दैट इज 16 और एक और ले लेते हैं -5 दैट इज 25. अब नोटिस करो उसने क्या बोला है, वो नोटिस करो, इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 20 होना चाहिए, स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए बताओ, 20 से कम होना चाहिए. तो नोटिस करो ये 25 20 से बड़ा हो गया, मतलब इतना सेगमेंट हुआ. इवन ये 25 भी बड़ा हो गया तो इतना हुआ. तो 20 से छोटा इतने हो रहे हैं, लेकिन हमें लेना क्या है, दैट इज एक्स लेना है और उसने बिलोंग्स टू जेड कहा था, इसलिए हमने प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा. तो कितने हो रहे हैं, 16, 16, तो 6, 4 तक हो रहे हैं यानी. ठीक है, तो हम इसका सेट लिख सकते हैं, दैट इज क्या क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, दोनों प्लस और माइनस 1 दोनों आया तो प्लस और माइनस 1 कंबाइन करके लिख लेते हैं. फिर यहाँ पे 2 भी आया, +2 भी आया, -2 भी आया तो दोनों लिख लेते हैं, +3, -3 और +4, -4 दोनों आ गया. ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सी. नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ, दैट इज दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² - x - 6 इज इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं पहले, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज होगा x² - 3x + 2x
माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। चेक करके देखो, माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस थ्री इंटू टू करेंगे तो माइनस सिक्स, करेक्ट है। अब यहां पे कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन निकाला तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो सिंपल हो गया, एक्स माइनस थ्री कॉमन निकाला और एक्स प्लस टू रह गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। अब नोटिस करना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, दैट इज एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां पे नेचुरल नंबर या इंटीजर कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है, कुछ बताया नहीं गया, तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन हो गया, दैट इज डी इज इक्वल टू माइनस टू एंड थ्री। ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। अगर मैं इसको दोबारा यहां पे एक छोटा सा जगह बनाता हूं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को, दैट इज E इज इक्वल टू बोल दिया है 2n x, सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 n प्लस 2, वेयर n इज होल नंबर और लेस देन 4 होना चाहिए। तो यहां पे x इज इक्वल टू लिख दिया है 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और n हमें होल नंबर कह दिया है और वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो होल नंबर शुरुआत होता है 0, 1, 2 एंड 3, ये चार हो गए हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम इसको पुट करते हैं, अगर हमने जीरो लिया तो एक्स हो जाएगा हमारा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो बाय जीरो प्लस टू, दैट इज माइनस हाफ। अगर हमने लिया दैट इज वन तो एक्स हो जाएगा हमारा, वन पुट किया तो टू माइनस वन दैट इज वन एंड वन प्लस टू दैट इज थ्री। फिर हमने पुट किया टू तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 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 जार फोर माइनस वन दैट इज थ्री, और यहां पे टू पुट किया दैट इज टू प्लस टू फोर। फिर हमने पुट किया थ्री तो थ्री टू जार सिक्स माइनस वन दैट इज फाइव, और हमने यहां पे थ्री पुट किया थ्री प्लस टू दैट इज फाइव, तो फाइव फाइव कैंसल आउट होके वन। अब हमें देखना है कि क्या बोला है, x ही बोल दिया है, तो सिंपल हो गया e इज इक्वल टू जितने भी वैल्यूज आए, वैल्यूज ऑफ x, हमें x लिखना है और x डिफाइन कर दिया 2n माइनस 1, और हमने पुट करके सारा चीज निकाल दिया, दैट इज माइनस हाफ वन माइनस हाफ वन बाय थ्री थ्री बाय फोर एंड वन। ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म करना है। ठीक है, तो उल्टा दिया है, हम इसको प्रॉपर्टी में डालेंगे, द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड लेस देन 50। तो यहां पे लिखेंगे इसको फर्स्ट, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स ऑफ सिक्स एंड एक्स लेस देन 50 होना चाहिए, लेस देन 50, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए और लेस देन 50 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड यहां पे दे दिया हमारा a इज इक्वल टू हाफ 2 बाय 3 3 बाय 4 अप टू 9 बाय 10। तो एक यहां पे पैटर्न चेक करो, यहां पे दिया 1 तो यहां पे 2, यहां पे 2 दिया तो यहां पे 3, यहां पे 3 दिया तो यहां पे 4, यहां पे 9 दिया तो यहां पे 10, मतलब जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है। तो अगर हम इसको लिखते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, क्या सही होगा या नहीं चेक करके देख लेते हैं, वेर एन नेचुरल नंबर हो गया। तो यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, करेक्ट है। यहां पे 2 पुट करता हूं तो 2 प्लस 1 3, वो भी करेक्ट है। यहां पे 3 पुट करता हूं तो 3 प्लस 1 वो हो गया 4। यहां पे 9 पुट करता हूं तो 9 प्लस 1 10। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर तो बढ़ते जा रहा है, अगर मैं और भी पुट करता रहूंगा दैट इज 10 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 1 दैट इज 11 हो जाएगा, जो कि आगे चला गया। तो हमें यहां पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन है, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड
एन लेस देन 10 होना चाहिए। आ रहा है समझ में? एन क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। तो क्लियर हो जाएगा हमारा। थर्ड देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया है, तो यहां पे a इज इक्वल टू लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर दैट इज z प्लस, क्लियरली लिख देते हैं, हुज क्यूब इज ऑड, वेयर x क्यूब इज इक्वल टू ऑड। ऑड तो हमें पता है दैट इज 2n प्लस 1 होता है, वेयर n इज इक्वल टू, n इज जीरो वन टू थ्री, ये सब है। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर में फॉर्म ऑफ थर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ दैट इज b इज इक्वल टू दे दिया है 1, 1/4, 1/9, 1/16 ऐसे हो रहा है। तो नोटिस करो न्यूमरेटर में 1 ही है, डिनोमिनेटर में नोटिस करो ये 1 का स्क्वायर दैट इज 1, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर दैट इज 4, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर दैट इज 9, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर दैट इज 16, मतलब इस तरह से हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया है, वेयर हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, वेयर n इज इक्वल टू belongs to z, sorry z नहीं, natural number लिख देते हैं that is n, सही है। ये हो गया हमारा roster property builder form of ये सारे questions का, समझ में आया सबको? Okay, next segment है हमारा that is दिया हमने state which of the following are finite and infinite। तो हम लोग पढ़ चुके थे finite मतलब जिसके elements का नंबर हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट कहेंगे, और जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे उसको इनफाइनाइट कहेंगे। और मैं याद दिला देता हूं, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब जिसके जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो या फॉल्स स्टेटमेंट हो, तो वो हो जाए हमारा एम्प्टी सेट। तो सारे एक एक करते हैं। फर्स्ट दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो पहले बोल दिया है कि x belongs to n, मतलब x हो गया हमारा that is 1, 2, 3, ये सब हमें पता है, और जिसका स्क्वायर करने से 9 होगा, तो x square is equal to 9। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x square is equal to 9 मतलब x is equal to root over 9 या that is plus or minus 3, but इसमें दो आंसर आया that is plus 3 और आया -3। तो नोटिस करो बोला क्या गया है, दैट इज बिलोंग्स टू n। तो सिंपल नेचुरल नंबर तो ओनली 3 है, -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम उसको लिख नहीं सकते। तो a हो गया हमारा सिंपल ओनली 3। अब n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट इन a दैट इज कितना है, क्लियरली 1। तो हम इसको फाइनाइट भी कह सकते हैं एज वेल एज क्योंकि एक ही है तो हम इसको सिंगल टर्न भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं f फाइनाइट। सेकंड b बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्लियरली 1/2। तो क्या 1/2 हमारा होल नंबर है? नहीं है, नहीं है तो नॉट इक्वल टू होल नंबर, तो होल नंबर नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, आया नहीं कुछ। तो बी के अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज हम बोल सकते हैं 5, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्लियरली कितना हो गया 0। तो हम काउंट कर पा रहे हैं तो हम इसको फाइनाइट कहेंगे। थर्ड दैट इज सी इज इक्वल टू बोल दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड x ग्रेटर देन -3। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3 होना चाहिए और इंटीजर है, तो ग्रेटर देन -3 क्लियरली -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू ये इनफाइनाइट होगा। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन c क्लियरली कितने हैं, इनफाइनाइट है,
तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट फोर्थ दैट इज डी इज इक्वल टू दिया है x such that x belongs to n and x is a factor of 84. So factor of 84. Factor of 84 मतलब क्या क्या मल्टीप्लाई करके 84 लाना है. तो फैक्टर के लिए हम लोग पहले कर लेते हैं 1 into 84, क्लियरली 84 होता है. दैट इज 2 into 42, वो भी 84 होता है. 3 into 20 कितना होगा, दैट इज 3 से डिवाइड कर लो, 3 2s are और 3 8s are 8, हाँ करेक्ट है. तो ये भी 84. फिर 4 से करके चेक करो, 4 2 1, हाँ ये एक बार चेक कर लो, 8 3s are 24, 6 2 करेक्ट है, तो 84. फिर 5 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 होना चाहिए था, वो तो होने वाला नहीं है. फिर 6 से एक बार चेक करो, आई थिंक 14 6 into 14 14 6 are 84 होता है, करेक्ट है. फिर 7 करो, 7 का टेबल अगर याद होगा तो आराम से आ जाएगा, तो 12 7 are 84 होता है. फिर 12 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 का टेबल 80 तक ख़त्म हो जाता है, और 11 करते हैं तो 88 आ जाता है, नहीं होने वाला है. 9 नहीं होने वाला है, 10 नहीं होने वाला है, 11 नहीं होने वाला है, अब 12 होने वाला है. तो रिपीट होगा अभी, अब रिपीट होगा तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 7, इसमें लिख सकते हैं दैट इज 14 इंटू 6, इसमें लिख सकते हैं 21 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 28 इंटू 3, फिर इसको लिख सकते हैं 42 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 84 इंटू 1. तो क्लियरली हमारे पास जो फैक्टर ऑफ 84 है, तो डी हो गया हमारा ये सारे नंबर, ये भी और ये भी, ठीक है, या हम इसको भी बोल सकते हैं दैट इज सिंपल हो गया 1 2 3 4 6 7, फिर क्या है 12 14, फिर 21, फिर 28, फिर 42, फिर 84. तो एन ऑफ डी चेक करो, हम इसको भी काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए, काउंट कर लिया, तो ये हो गया फाइनाइट. बड़ा सिंपल है. नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन एम्प्टी सेट है वो देखना है हमें. सो क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन मार्स. तो मार्स में कितने ह्यूमन है, कोई भी नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोई भी नहीं, मतलब इतना, मतलब हम फाइव सेट कह सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट. सेकेंड x such that x is an odd number divisible by 2. अब आप लोग ही मुझे बताओ क्या कोई odd number 2 से divisible होगा. क्लियरली हमें पता है कि 2 से divisible होने के लिए यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 हो गया तो सिंपली ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो वो 2 से कट होगा. लेकिन odd number दैट इज 1 3 5 7 9, ये अगर यूनिट प्लेस में हो गया तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. इसका मतलब ये भी हो गया 5 सेट, दैट इज एम्प्टी सेट लिख देते हैं. x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. तो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक पैरेलल, ये एक लाइन और ये एक लाइन. तो ये एल वन ये एल टू, क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं. हमें पता है कट करने से ही कॉमन पॉइंट आएगा, तो यहां पे कट नहीं कर रहा है तो नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट है ही नहीं. तो इसका मतलब सी भी हो गया हमारा फाइव सेट, एम्प्टी सेट, करेक्ट है. नेक्स्ट है लास्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5 ग्रेटर देन 7. लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर लेस देन 5 बोला है, दैट इज 1 2 3 4, लेस देन 5 हो गया. ग्रेटर देन 7 दैट इज शुरू होगा 8 से, 9 10 11, ये बढ़ता ही जाएगा, है ना, तो ये खत्म नहीं होने वाला है, तो ये इनफाइनाइट हो गया. तो इसके अंदर तो एलिमेंट आ गए, तो आ गए मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, तो नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट.
तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट सेशन, ठीक है, आए समझ में? शायद आगे देखने के लिए मेरे साथ बने रहना, और आज आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।